लखीम चंद बहुत ही आलसी था। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस दिन भर बेड पर पड़े पड़े सोता रहता था। जिस वजह से लखीम चंद की पत्नी बहुत परेशान रहती थी और उसे उल्टा सीधा बोलती थी, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन, तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? कब तक अपने बाप के कमाए हुए पैसों पर आराम फरमाओगे? शुरू हो गया तेरा ड्रामा। रोज रोज एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग खराब करती रहती हो। जाओ अपना काम करो। इतना सारा पैसा पिताजी मेरे लिए ही तो छोड़कर गए हैं, भला वो किस दिन के लिए है? ये पैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे, तब क्या करोगे? और तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, कभी सोचा है? हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी सात पुश्ते बैठ कर खाएंगे। तू जा, मेरा दिमाग मत खा। इतना कहकर लखीमचंद सो जाता है। रीना भी ये सब सुनकर गुस्से में काम करने लगती है। रीना रोज लखीमचंद को काम करने के लिए बोलती है, लेकिन लखीमचंद कुछ भी नहीं करता। ऐसा ही करते करते 2 साल बीत गए और लखीमचंद का सारा पैसा खत्म हो गया। एक दिन, अब तो कुछ काम कर लो, अब तो सारे पैसे भी खत्म हो गए, अब हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर लखीमचंद चौंक गया और बोला, ऐसे कैसे पैसे खत्म हो गए? मेरे पिताजी इतने सारे पैसे छोड़कर गए थे, मेरे लिए वो कहाँ खर्च किए तूने? मैंने कोई पैसे नहीं दिए किसी को, तुम्हें मैं इतने दिन से कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब सारा पैसा खत्म हो गया, तुम मुझे सुना रहे हो? क्या सच में वो सारे पैसे खत्म हो गए? हाँ। लखीमचंद सर पे हाथ रख कर बैठ जाता है, फिर सोचते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं आज से ही काम करने जाऊंगा। ठीक है। लखीमचंद काम की तलाश में चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। बहुत दूर चलने की वजह से लखीमचंद बहुत थक जाता है और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में लखीमचंद की आंख लग जाती है। अचानक वहां घोड़े की आवाज आती है, जिसे सुनकर लखीमचंद उठ जाता है और थोड़ी दूर जाके देखता है तो उसे झरने के पास 4 लोग दिखाई देते हैं। ये देखते देखते लखीमचंद उनकी बातें सुनने के लिए झाड़ियों के पास छिप जाता है। उन 4 लोगों में से एक व्यक्ति बोलता है कि जाओ तुम लोग, मैं अभी सोना लेकर आता हूँ। ये बात सुनकर वो सब वहां से चले जाते हैं। तभी वो व्यक्ति इधर उधर देखते हुए झरने के पास जाता है और एक जादुई मंत्र बोलता है, पानी पानी खोल दे अपनी कहानी। ये मंत्र सुनते ही झरना 2 अलग अलग भागों में बंट जाता है और एक सोने की गुफा बन जाती है। वो व्यक्ति गुफा के अंदर जाता है। लखीमचंद भी उस व्यक्ति के पीछे पीछे गुफा के अंदर चला जाता है और वहां से वो व्यक्ति बहुत सारा सोना चांदी लेकर बाहर आ जाता है और जाते हुए दोबारा मंत्र बोलता है, पानी पानी खोल दे अपनी कहानी। मंत्र बोलते ही फिर से गेट खुल जाता है और वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और लखीमचंद गुफा के अंदर ही रह जाता है। और उस व्यक्ति के जाते ही बोलता है, आज तो मेरी किस्मत चमक उठी, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो बस आराम ही आराम। लखीमचंद गुफा से बहुत सारा सोना ले आता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये देखो कितना सारा सोना। ये सब आज के लिए ठीक है, अब आप इस सोने से कोई नया काम शुरू कर दीजिए और अब उस गुफा में कभी मत जाइएगा। अब काम की क्या जरूरत है, अब जब ये सोना खत्म होगा मैं दोबारा जाके वहाँ से ले आऊंगा। रीना ने लखीमचंद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। वो जब सोना खत्म होता गुफा में जाता और सोना ले आता। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा।
एक दिन। क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारा सोना एक साथ ले आऊं। ये सोचकर लखीमचंद गुफा में जाता है। और सोना इकट्ठा करके गुफा से बाहर आने के लिए मंत्र बोलता है। वो इतना खुश होता है कि मंत्र भूल जाता है और हर बार गलत मंत्र बोलता है। पानी पानी तेरी कहानी हा? पानी पानी क्या है तेरी कहानी पानी पानी तेरी जुबानी। लखीमचंद हर तरह की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। वो रोते रोते एक कोने में बैठ जाता है और बोलता है, काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती और लालच ना किया होता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। लखीमचंद अपने लालच के चलते उसी गुफा में फंसा रह जाता है। हर रोज वो गुफा खोलने की कोशिश करता लेकिन वो हर बार नाकाम रह जाता।